मदरसे में हुआ धमाका। न्यूज वन के लिए अमीन अहमद। नगीना क्षेत्र में आज उस समय सनसनी फैल गई जब धार्मिक स्थल के पास तेज धमाके की आवाज होने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने धार्मिक स्थल के अंदर पहुंचकर निरीक्षण किया लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नगर के मोहल्ला विशनोई सराय रेती में पिरहाइयों वाली मस्जिद के ऊपर बने मदरसे में तेज धमाके की आवाज से मोहल्ले में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया और आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर आ गए। पास के ही एक अन्य मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों में हाहाकार सा मच गया और वे स्कूल से बाहर निकल आए। धमाके की आवाज के तुरंत बाद दो युवकों को थैले के साथ बाइक से भागते हुए भी देखा गया। धमाके की आवाज की सूचना मोहल्ले वासियों ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे थाना प्रभारी ने धार्मिक स्थल में पहुंचकर निरीक्षण किया लेकिन वहां कोई संदिग्ध वस्तु न मिली। सीओ महेश कुमार व बिजनौर से आईएलआईयू की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिल। पुलिस ने इस संबंध में मदरसे की देखरेख करने वाले एक युवक सलीम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। क्या है? देखिए, ये थाना नगीना लगता है और यहाँ तराई वाली मस्जिद भी है, मदरसा भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। और दोपहर में बताया जाता है बहुत ज़ोर से छत पर धमाका हुआ है और अभी उसकी हम छानबीन कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं चल पाया किन कारणों से हुआ है लेकिन एक लड़का खड़ा हुआ था जब धमाका हुआ, उसकी शनाख्त की गई है, वो कोतवाली देहात का रहने वाला है। हमारी टीम गई उसे लेने के लिए, तब तक हम इसकी छानबीन कर रहे हैं, तलाशियाँ की ले रहे हैं। शायद कोई साक्ष्य हमें प्राप्त हो, अभी तक तो ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।